نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين कुछ कहने और सुनने से पहले अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल हादीयुस्सुबुल इमामुर्रुसुल सैयदुर्रुसुल अफजलुर्रुसुल मौलाए कुल आकाए कायनात मुहसिन इंसानियत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक्दस में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत पेश करें। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। ذکر صیام کی اس سے قبل کی مجلس میں ہم اور آپ روزہ اور عشر رحمت के ताल्लुक से कुछ सीख रहे थे और हमने इसकी फजीलतें समाअत की थीं। अब आज जब हम आपसे रूबरू हैं UCTV के विसातत से, तो अशय रहमत रुख्सत हो चुका है, अशय मगफरत में हम और आप सांसें ले रहे हैं, अशय मगफरत हमारे सरों पर जलवा फिगन है और यह आशरा, जैसा के नाम से ही जाहिर है, यह मगफरत का आशरा है, यह तौबा का आशरा है, इस्तिगफार का आशरा है और इस्तिगफार ये बहुत बड़ी और बहुत अहम चीज़ बंदों की ज़िंदगी में होती है। इससे हमारी तमाम जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं और ऐसी अहादीस इस ताल्लुक से आई हैं कि कभी कभी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, खाने काबा के पास तशरीफ़ ले गए और सिर्फ आप इस्तिगफार फरमाते रहे और उसके बाद आप तशरीफ़ ले आए। हज़रत शेख सादी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने भी इस ताल्लुक़ से अपनी किताब में लिखा है कि यकेस बंदगान गुनहगार परेशान रोज़गार दस्त नाबत बउम्मीद याबत बदरगाह खुदाबंद जल उला बरदारद, एक परेशान हाल बंदा अल्लाह की बारगाह में जो ज़माने का सताया हुआ है बारगाह इलाही में जाता है, दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह ताला नज़र इल्तफात नहीं करता, बार दिगर बखानत फिर वो दुआ के लिए हाथ उठाता है, बार दिगर एराज फरमायत दूसरी मर्तबा भी अल्लाह ताला नज़र रहमत नहीं डालता, उसकी रहमत मुतवज्जे नहीं होती, बार दीगर बखानत तीसरी मर्तबा फिर वो बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाता है, बंदा अर्ज करता है अल्लाह ताला तवज्जो नहीं फरमाता, लेकिन अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान ये इरशाद फरमाता है या मलाइकतु क़द इस्तहयैतु मिन अब्दी वलैसा लहू गैरी, ऐ मेरे फरिश्तों ये मैं अपने बंदे से हया करता हूँ इसलिए कि मेरे अलावा कोई इसका दूसरा नहीं है, ऐ खालिक़ कायनात आज भी ये ज़मीन वाले तेरी रहमत के तेरी मगफरत के तालिब हैं, ऐ मेरे परवरदिगार हमारे गुनाहों की मगफरत फरमा, या अल्लाह हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा, अपने महबूब के दरवाज़ों को हम लोगों के लिए खोल दे, इबादत गाहों को हमारे लिए खोल दे इलाहा आलमीन, ताकि हम इबादत गाहों के ज़रिए इज्तमाही तौर पर अपने गुनाहों से तायब हो सकें और ये ज़मीन वाले जो परेशानियों में मुबतला हैं बलाओं में मुबतला हैं मेरे परवरदिगार इन बलाओं को दूर फरमा दे हमसे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो रमज़ान शरीफ का ये दूसरा आशरा जो शुरू हुआ है ये मगफरत का आशरा है, यूँ तो इफ्तार का जो वक्त है पहली चांद रात से लेकर चांद रात तक यानी इफ्तार जब से रमज़ान शुरू होता है और जब शाबान का चांद शवाल का चांद आता है उस वक्त तक ये इफ्तार का जो वक्त होता है
ये कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह ताला ने इस वक्त में हर रात को अल्लाह ताला जहन्नम से लोगों को आज़ादियाँ अता फरमाता है, उनकी मगफरत फरमाता है। चुनांचे अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि इससे पहले मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला जब भी रात आती हर रात में आज़ादियाँ अता फरमाता है। और ये इस्तिग़फ़ार, ये बहुत बड़ी दौलत अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाई है, इसके ज़रिए हमारी मगफरत की जाती है। और जो दुआएं इस वक्त मांगी जाती हैं वो दुआएं अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है, अलबत्ता उसमें ताखीर हो सकती है। यहाँ तक के सहरी का वक्त अगर है तो उसके लिए नियत ही काफ़ी है। सहरी के रोज़े के लिए फ़र्ज जो है वो सिर्फ नियत है, नियत दिल के इरादे का नाम होता है। लेकिन अगर आप अल्फाज से भी अदा करते हैं तो आपके हर लफ्ज़ के बदले अल्लाह ताला आपको नेकियां अता फरमाता है। इसी तरीके से इफ्तार में भी हम लोग इफ्तार के वक्त दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु वबिका आमनतु वअलैका तवक्कलतु वअला रिज़्क़िका अफ़तरतु। लेकिन अहादीस में ये इसी एतबार से ये मरवी नहीं है, बल्कि इतना ही अल्लाहुम्मा लका सुमतु वअला रिज़्क़िका अफ़तरतु। लेकिन इस सिलसिले में अल्लामा मुल्ला अली क़ारी अलैहि रहमा और दीगर मुहद्दिसीन ने इस बारे में इरशाद फरमाया है कि अल्फाज तो मुतय्यन नहीं हैं, लेकिन चूंकि ये अल्फाज ये बेहतर अल्फाज हैं, इस वजह से इसके ज़रिए भी दुआ की जा सकती है। आज पूरे आलम इस्लाम में जो दुआ मांगी जाती है वो इसी एतबार से मांगी जाती है, अल्लाहुम्मा लक सुमतु वबिका आमनतु वअलैका तवक्कलतु वअला रिज़्क़िका अफ़तरतु। इफ्तार चाहे आप अजान से पहले करें, चाहे आप नमाज पढ़ के करें, दोनों तरीक़े की हदीस जो है वो मरवी है। दोनों तरीक़े की हदीसें हमारे सामने आई हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलबत्ता इरशाद फरमाते थे कि जैसे ही सूरज की टिकिया वो डूब जाए तो वैसे ही रोज़ा इफ्तार कर लिया करो। आज तो बड़ी सहूलत है, आज वक्त लम्हा मिनट सेकंड ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आज नए जो आलात हैं उनके ज़रिए हम जान जाते हैं कि कितने मिनट पे सूरज ग़ुरूब हो रहा है, इस एतबार से हम इफ्तार कर लिया करते हैं। मोहतरम हज़रात, मोहतरम नाज़रीन और सामईन, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराओ। रोज़ा अफ्तार कराना ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है, और रोज़ा इफ्तार कराने वाले को भी रोज़ा रखने वाले के बराबर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। लेकिन रोज़ा रखने वाले के सवाब से उसमें कटौती और कमी नहीं होती। चुनांचे हज़रत ज़ैद बिन खालिद जुहनी फरमाते हैं कि मन फत्तोरा सायमन काना लहू मिस्लु अजरिहिम मिन गैर यनकुस मिन उजूरिहिम शैया, के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार कराया उसे उन रोज़ादारों के बराबर सवाब मिलेगा, लेकिन उनके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये फरमाया करते थे कि अफ्तार के वक्त मांगी हुई दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। चुनांचे उनका खुद मामूल था कि जब वो इफ्तार करते थे तो उससे पहले इस तरह दुआ क्या करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका बिरहमतिका अल्लती वसअत कुल्ल शै अन तग़फिर ली, अल्लाह परवरदिगार मैं तुझसे तेरी रहमत के वास्ते से सवाल करता हूँ, जिसने हर चीज़ को घेर रखा है तू मेरी मगफरत फरमा दे। और रोज़ा इफ्तार कराना भी ये बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी के यहाँ जाते थे इफ्तार करते थे तो आप कैसे दुआ फरमाया करते थे, इस बारे में हज़रत साद इब्न माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के यहाँ जब अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ले गए, आपने इफ्तार फरमाया तो आपने दुआ करते, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से रवायत है कि आपने अल्फाज में दुआ की कि अफ्तर इंदकुम सौइमून वकल तौमकुम अलबरार वसल्लत अलैकुम अलमलाइका। ऐ साद, तुम्हारे यहाँ रोज़ेदार इसी तरीके से रोज़ा अफ्तार करते रहें, तुम्हारा दस्तरखान वसी रहे और रोज़ेदार
रोजे अफ्तार करते रहें। तुम्हारा खाना नेक लोग खाएं, अबरार लोग खाएं, और फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करें। तो हजरात मोहतरम, हम और आप अल्लाह की बारगाह में इस अश्य मफ़रत में हर रात, हर शब और हर इफ्तार के वक्त दुआ करें कि अल्लाह ताला ज़मीन वालों को इस अज़ाब से नजात अता फरमाए, और जो भी लोग हमारे आबा अजदाद और उम्मत मुमिनून मुमिनात मुस्लिमून मुस्लिमात की उरसत हो गए, अल्लाह उनके सगैर व कबैर की मगफ़रत फरमाए। आखिर दुआ मानना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।